एक बात समझ में नहीं आती, चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो, चाहे बुंदेलखंड हो या कोई और इलाका, हर जगह ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य नहीं रह गया है। आज दलितों के घर जलाए गए और बिना किसी कारण के, सिर्फ भय और आतंक पैदा करने के लिए। निसंदेह ये उत्तर प्रदेश सरकार का कानून व्यवस्था बनाए रखने का, दलित गरीब कमजोर तबके को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से असमर्थ साबित हुई है और उसी के संरक्षण में ये सारे दलितों के घर जलाए गए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें कार्रवाई कठोरतम तो हो, पर उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी जिम्मेदारी ले। इस सरकार में अहंकार बहुत हो गया है, वो दमन की राजनीति करके वो विपक्ष की आवाज़ को दबा देना चाहती है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, हम ये लड़ाई नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। जब इसे बरतानिया हुकूमत के जुल्म हमने सहे हैं तो मौजूदा सरकार के जुल्म भी सहेंगे। मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आती, हमने बसेज की एक सूची सौंपी थी, अगर उस सूची में हमारी सारी बसें फिजिकली हमने खड़ी कर दी थी, ये गिन लीजिए 1034 बसें, अगर आपको लेना था लेते, न लेना होता न लेते, लेकिन ये मुकदमा क्यों लगाया? ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई राजनीतिक विद्वेष से ओतप्रोत। 0.1% कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद संख्या पार कर गई है 10,000। इससे साफ नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की चूंकि टेस्टिंग नहीं हो रही है, ग्रामीण अंचल में कहीं ये नहीं देखा जा रहा है कौन पीड़ित है कौन नहीं पीड़ित है, इसलिए ये संख्या वो वास्तविक संख्या नहीं प्रतीत होती है। वरना तो जिस गुजरात मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बनी थी, आज वहाँ पर मरने वालों की संख्या जो कोरोना के हैं 6.2 पहुँच गई है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में जिस दिन कोरोना की टेस्टिंग सही मायनों में होगी, उस दिन यह संख्या कहीं और बड़ी होगी। आज ही उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नोएडा में 35 लोग जो स्वस्थ थे उनको जांच करके पॉजिटिव बना दिया गया, उन्हें 3 दिन तक अस्पताल में रखा गया, 3 दिन उनको कोविड कोरोना के मरीजों के साथ रखा गया, 3 दिन बाद कह दिया गया टेस्ट गलत। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार की इसी बात की तारीफ हो रही है तो मैं कह सकता हूँ इससे बुरी हालत शायद कहीं और ना हो। भारतीय जनता पार्टी हर मामले में राजनीति कर रही है। ऑपरेशन जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार गिराए, कहा वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मैंने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ही गिराया, बिहार में बंगाल में वर्चुअल रैली कर रहे हैं, 3-3 विधायक गुजरात में इस्तीफा दिलाया कांग्रेस का लेके, वैसे ही राजनीति इनके लिए पहले है देश बाद में, भारतीय जनता पार्टी में देश हित बाद में है, अपना राजनीतिक हित पहले है, यही भारतीय जनता पार्टी करने के लिए निकली है। आज बड़ी साफ बात हो गई है, एंटी करप्शन ब्यूरो को कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप ने एक रिपोर्ट लिखाई है जिसमें विधायकों ने कहा है कि उन्हें भय लालच और डर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा जा रहा है, बगल में गुजरात में हो ही रहा है, इसे ऑपरेशन लोटस की संज्ञा दी गई है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये देश की निर्वाचित सरकारों को अवदस्त करने की साजिश है जिसे हम राजस्थान में कभी पूरा नहीं होने देंगे। देखिए, चौथे और पाँचवें के बीच में बहुत कम फासला है, चौथे पे तो हम पहुँचेंगे। चिंताजनक बात दूसरी है कि आज जो सीरियस संक्रमित हैं उनमें हमारी संख्या तीसरे और चौथे पर पहुंच गई, और जो क्रिटिकल हैं उनमें हम नंबर 2 पे हो गए। तो संख्या चाहे हमारी 5 हो पांचवें नंबर पर क्रिटिकल केसेस जो हैं कोरोना के, वो भारतवर्ष में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर हैं। ये चिंता का विषय है और भारत सरकार लगी हुई राजनीति करने में, भारत सरकार लगी हुई सरकारों को बनाने और बिगाड़ने में।